हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी केन्स की। केन्स ने जो हमें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दी थी, वो हमने पढ़ ली। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी आई थी वो आई थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अब इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। देखिए, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से पहले हमने बात करी थी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमें केन्स ने दी थी, और केन्स ने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बातें बोली थी। पहली तो हमारी जो कंजम्पशन होती है वो करंट डिस्पोजेबल इनकम यानी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है। दूसरी बात केन्स ने बोली थी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। और तीसरी बात केन्स ने जो बोली थी वो बोली थी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होता चलेगा जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती चलेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने केन्स के बारे में पढ़ी। अब केन्स ने जो हाइपोथेसिस दी थी वो दी थी 1936 में। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमारे कजनेट जी। अब कजनेट ने क्या किया, 1946 में एक स्टडी करी लॉन्ग टर्म, और उसमें उन्होंने क्या निकाला कि लॉन्ग टर्म में एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। अब इकोनॉमिस्ट के बीच में ये पजल शुरू हो गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कॉन्स्टेंट रहती है या फिर डिक्रीज होती है। तो इसी के बेस पे आगे थ्योरीज आई जिनका नाम था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि डजनबेरी ने दी थी। ये आई थी 1949 में। उसके बाद आई हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि हमें फ्रीडमैन ने दी थी, और ये आई थी 1957 में। इसके बाद हमारे पास आई थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो हमें एंडोर मोडग्लानी ने दी थी, जो आई थी 1963 में। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं आती। इसका नाम था रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। अब ये जो थ्योरी है ये आई थी 1978 में, और इसे देने वाले थे रॉबर्ट हॉल। ये दी थी रॉबर्ट हॉल ने। अब ये क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, तो इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो स्टडी है वो है ये चार कंजम्पशन हाइपोथेसिस, जिसमें से रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे, जो कि हमें दी थी डजनबेरी ने। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें इन्होंने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की बात करी थी। तो अब देख लेते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस होती क्या है। देखिए, डजनबेरी ने हमें कहा था कि जब हमारा कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करता है या सेव करता है तो वो सिर्फ अपनी करंट इनकम नहीं देखता, बल्कि वो देखता है एक तो पास्ट में उसने क्या कंजम्पशन करी, पास्ट में जो उसकी पीक पे कंजम्पशन थी उसे देखता है, और दूसरा वो देखता है कि जो उसकी लोकेलिटी में और लोग रह रहे हैं वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को पढ़ा जाए, डजनबेरी आर्ग्यू दैट इन डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड और सेव, पीपल लुक नॉट जस्ट टू देयर करंट इनकम बट टू बेंचमार्क लाइक व्हाट दे हैड स्पेंट इन द पास्ट और व्हाट दे सॉ अदर स्पेंडिंग। तो ये दो चीज़ों के बारे में वो देखता है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है, जिस वो लोकेलिटी में रह रहा है, उस लोकेलिटी का इफेक्ट पड़ता है उसकी कंजम्पशन पे। मान लीजिए हमारे पास तीन फैमिली हैं, फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। फैमिली ए कमा रही है 1000 रुपये पर मंथ, फैमिली बी कमा रही है 2000 रुपये पर मंथ, और फैमिली सी कमा रही है 3000 पर मंथ। ओके, अब जो हमारी फैमिली ए है उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फैमिली सी। फैमिली सी की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। क्यों? क्योंकि फैमिली ए इस लोकेलिटी में रह रही है जिसमें उनकी इनकम कम है। अब इनकम कम होने की वजह से उनको अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंट खर्च करना पड़ेगा। क्यों? अगर इनको सेम रेपो मेंटेन करना है जैसे बी और सी का है। इसी तरह ए से कम होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बी की, और बी से कम होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी की। इसी तरह अगर दूसरी लोकेलिटी होती है, वहाँ पर फैमिली है पी, क्यू और ए। पी कमा रही है 500, क्यू कमा रही है 700 और ए फैमिली कमा रही है 1000। यहाँ पे पी की जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो ज़्यादा होगी और ए की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, कम होगी। देखिए, यहाँ पे भी ए फैमिली है, यहाँ पे भी ए फैमिली है, यहाँ पे भी 1000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे भी 1000 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कम है, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज़्यादा है, क्योंकि इस लोकेलिटी में उनकी इनकम औरों के कंपैरिजन कम है। इसीलिए इनको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए औरों के बराबर अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंट खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए इनकी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे ए की इनकम इस कम्युनिटी में, इस लोकेलिटी में क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका स्टेटस ऑलरेडी औरों से ज़्यादा होगा, इसीलिए इनको अपनी इनकम का कम परसेंट खर्च करना पड़ेगा। जबकि जो पी है इसको स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंट खर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए इन सब की इनकम सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है तो क्या होगा, अगर इसकी इनकम 1000 से 2000 हो गई, यहाँ पे 2000 से इनकम 4000 हो गई, यहाँ पे 3000 से इनकम 6000 होगी, तो क्या एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम में कोई चेंज आएगा? जी नहीं। डजनबेरी का कहना था कि अगर
इनकम सेम प्रपोर्शन में किसी कम्युनिटी की इंक्रीज़ हो रही है, अगर किसी कम्युनिटी की इनकम इंक्रीज़ हो रही है उसका रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम है, यहाँ पे सेम प्रपोर्शन में क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई है इसलिए रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो कम्युनिटी की इनकम इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम है, ये कहना था हमारे डजन बेरी का। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे हमने ली है डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पे हमने ली है कंजम्पशन एंड सेविंग। ओके, अब इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 45 डिग्री लाइन होती है जिसे हम इनकम लाइन कहते हैं, और ये था हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जिसके बारे में हमें केन्स ने भी बोला था। अब ये इनकम लाइन में हटा देता हूँ बीच में से ताकि समझने में आसानी रहे आपको। तो ये हमारी कंजम्पशन थी। ओके, अब मान लीजिए कम्युनिटी की इनकम है ओ वाई वन इनकम है और ए वाई वन ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह अगर इनकम बढ़ गई तो केन्स के केस में क्या था, अगर मान लीजिए वाई टू इनकम हो गई तो ये कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, बी वाई टू कंज्यूम कर रहे होंगे। अब इस लाइन का स्लोप जो होगा वो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। जबकि अगर मैंने इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ए पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ तक आएगी। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, जबकि इस लाइन का स्लोप क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मैंने आपको बताया था लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। अब ये लाइन ज़्यादा स्टीप है, ये लाइन क्या है, फ्लैट है एज कम्पेयर टू दिस लाइन, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका स्लोप है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, ये हमें कहा था केन्स ने। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, केन्स ने क्या कही थी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होता चलेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चलेगी। अब देखिए इनकम वाई वन से वाई टू हो गई तो हमारी कंजम्पशन क्या है, ये। अब इस पॉइंट पे मैंने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से एक लाइन जाएगी ये लाइन, और आप देख सकते हैं ये लाइन जो है थोड़ी ज़्यादा स्टीफ है, ये लाइन क्या होगी, थोड़ी फ्लैट होगी इस लाइन के कंपैरिजन, इसका स्लोप यानी कि ज़्यादा होगा इस लाइन से। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इधर ज़्यादा था, इधर क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता चलेगा केन्स के केस में। इसी तरह अगर मान लीजिए इनकम Y2 से Y3 हो जाती तो हमारी कंजम्पशन क्या होती, ये होती, यानी कि कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालना होता तो ये लाइन आती ओरिजिन से, ये और फ्लैट होती चलती। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होता चलेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चलेगी। लेकिन डजन बेरी ने क्या कहा था कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है किसी कम्युनिटी की और उसमें रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, वो कैसे रहेगा, इसे हम डायग्राम के थ्रू कैसे देख सकते हैं। देखिए हमारी कम्युनिटी की इनकम थी ओ वाई वन, ओके ओ वाई वन इनकम है, वो कंज्यूम कर रहे हैं ए वाई वन, इतना कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है, इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें हम तो ये आ गई हमारे पास ये लाइन, यानी कि इस लाइन का स्लोप जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है जब इनकम ओ वाई वन है। अब इनकम इंक्रीज होकर वाई वन से वाई टू हो गई और कंजम्पशन क्या होगी, ये अगर कंजम्पशन बी वाई टू है तो इस हिसाब से तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी डिक्रीज हो गई, है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगी, जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रहनी चाहिए थी जैसे इस केस में थी, उतनी ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहनी चाहिए थी, यानी कि इस लाइन पे कहीं कंज्यूमर हमारा कंज्यूम करेगा तो हमारी कंजम्पशन बी वाई टू ना होके बी डैश वाई टू होगी, यानी कि केन्स के कंपेरिजन में इतनी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। केन्स ने कहा था एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जितनी इधर एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम थी उतनी ही इस केस में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कंजम्पशन लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई, जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई वैसे ही कंजम्पशन लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई, क्योंकि इस पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम इससे ज्यादा होगा। ओके, अब मान लीजिए इनकम वाई टू से बढ़ के वाई थ्री हो गई, तब अगर हमारा कंज्यूमर सी वाई थ्री ही कंज्यूम करेगा इसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज हो गई, लेकिन ऐसा होगा नहीं, डजन बेरी ने कहा था, यानी कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ये कि ये रहनी चाहिए, यानी कि इस लाइन का स्लोप होगा, तो यानी कि इस लाइन पे कहीं कंजम्पशन होनी चाहिए, तो वो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, सी डैश वाई थ्री हो जाएगी, यानी कि हमारी कंजम्पशन लाइन जो है शॉर्ट लाइन वो फिर क्या हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। और अगर हम ए बी डैश और सी डैश इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन आती है जिसे हम कहेंगे लॉन्ग रन कंजम्पशन लाइन,
और इस लॉन्ग रन कंजम्पशन लाइन पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। कैसे हम निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे वो सेम ही लाइन आ रही है। बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से लाइन खींचेंगे वो भी सेम लाइन आ रही है। और सी पॉइंट पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालेंगे ओरिजिन से लाइन आएगी, और ये लाइन तीनों केस में सेम होगी, यानी कि इनका स्लोप सेम होगा, यानी कि लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ये हमें कहा था डजनबेरी ने। तो डजनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में क्या कहा था, रिलेटिव इनकम थ्योरी इंप्लाइज दैट विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ ए कम्युनिटी, अगर किसी कम्युनिटी की इनकम इंक्रीज हो रही है, द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेनिंग द सेम, और रिलेटिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम है, इट डज नॉट मूव अलोंग द सेम एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि वो कम्युनिटी सेम कंजम्पशन फंक्शन पे मूव नहीं करेगी, बट इट्स कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, यानी कि इसका कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वाई वन से वाई टू इनकम हुई, कंजम्पशन फंक्शन सी से सी डैश हो गया। जैसे ही वाई टू से वाई थ्री हुई, कंजम्पशन फंक्शन सी डैश से सी डबल डैश हो गया। ओके, तो जैसे ही कम्युनिटी की इनकम इंक्रीज होती है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट रहती है। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम केन्स की तरह डिक्रीज होती नहीं चलती इनकम के बढ़ने से। क्यों डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि हमारा कंज्यूमर जो है वो इनकम को कंजम्पशन को डिक्रीज नहीं कर रहा है, उतने ही प्रोपोर्शन में रख रहा है। किस वजह से, इसका रीजन होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, कोई भी हाउस होल्ड या इंडिविजुअल जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता है कंजम्पशन लेवल ऑफ देयर नेबर और अदर फैमिलीज इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी उनकी कम्युनिटी में जो भी उनके पड़ोसी हैं या जो भी फैमिलीज रह रही हैं उनके कंजम्पशन लेवल को कॉपी करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल, और इसी को हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या डजनबेरी इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी हम लोकेलिटी में जिसमें रह रहे हैं, हम और लोगों के कंजम्पशन लेवल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने कार खरीदी तो हम भी कार लेने की कोशिश करेंगे, अगर किसी ने एसी खरीदा तो हम भी एसी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम उनके कंजम्पशन लेवल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसी रीजन से चाहे हमारी इनकम इंक्रीज भी हो रही होती है, कि अपनी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज नहीं कर पाते। ये कहता है हमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तब इस पॉइंट की तो हमने बात कर ली कि डजनबेरी ने कहा था कि वो अपनी सिर्फ करंट इनकम नहीं देखता कंज्यूमर कंज्यूम करते टाइम, वो अदर पीपल्स की स्पेंडिंग भी देखता है कि और लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। साथ में इन्होंने कहा था कि और वो क्या चीज़ देखता है, हैड स्पेंड इन द पास्ट, यानी कि उसने खुद ने पास्ट में कितना कंज्यूम किया है उसको भी वो देखता है। इसका क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। देखिए, इसे चेक करने के लिए हम एक डायग्राम लिया है। यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम ली है हमने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लिया है हमने कंजम्पशन एंड सेविंग। ये हमारी 45 डिग्री लाइन है और ये हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। जब ओ वाई वन इनकम है तो हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं ए वाई वन, जब ओ वाई टू इनकम है तो हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, और इस पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है, कांस्टेंट है। कैसे है, इस पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालना हो, ओरिजिन से एक लाइन जाएगी, ठीक है, इसका स्लोप एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है। इस पॉइंट पे निकालना हो तब भी ओरिजिन से एक लाइन जाएगी, और ये लाइन दोनों केस में क्या है, सेम है। तो यानी इस लाइन का स्लोप दोनों केस में सेम है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम दोनों केस में सेम है और कांस्टेंट है। अब ये बात तो होगी, अब मान लीजिए कि कम्युनिटी की इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कम्युनिटी की इनकम क्या हो गई, वाई टू से वापस वाई वन हो गई, तब क्या होगा, तब क्या हमारा कंज्यूमर इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ जाएगा, नहीं। डजनबेरी ने कहा था ऐसा नहीं होता, क्यों, हमारा कंज्यूमर शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन वाली लाइन को यहाँ पे फॉलो करेगा। इसलिए कंज्यूमर को आना इस पॉइंट पे चाहिए था, क्योंकि इसकी इनकम वाई टू से घटके वाई वन हो गई है, लेकिन वो इस पॉइंट पे ना आके इस पॉइंट पे अपनी कंजम्पशन को ला रहा है, यानी कि इतनी कंजम्पशन वो क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि कंज्यूमर को कुछ चीजों की आदत हो जाती है जो उसने पास्ट में कंजम्पशन करी, यानी कि इस पॉइंट तक वो कंजम्पशन कर रहा था। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 थी, ठीक है, और उससे बढ़ के आपकी इनकम 20,000 होगी, और आपने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, अब आप उस मोबाइल फ़ोन के आदि हो चुके हैं। अब अगर आपकी इनकम 20,000 से घट के वापस 10,000 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल यूज़ करना बंद कर देंगे, हो सकता है आप और कुछ चीज़ों में कंजम्पशन कम कर दें, लेकिन आप पहले वाली पॉइंट पे कंजम्पशन को नहीं ले जा सकते। किस वजह से, क्योंकि आप कुछ चीज़ों के आदि हो जाते हैं अपनी पुरानी जो पीक कंजम्पशन होती है उसकी वजह से, और इसे हम कहते हैं रैचेट इफेक्ट। और रैचेट इफेक्ट का क्या मतलब है, व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फॉल्स, देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल टू दैट एक्सटेंट, यानी कि इनकम जब किसी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की कम होगी, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतने एक्सटेंट से कम नहीं होगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे बिकम अकस्टम टू देयर प्रीवियस हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि वो आदि हो जाते हैं किस चीज़ के, अपनी प्रीवियस हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन के, जो उन्होंने प्रीवियसली हायर लेवल तक कंजम्पशन करी थी जब उनकी इनकम इंक्रीज हुई थी उसके। और इसी वजह से इट इज़ क्वाइट हार्ड एंड डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना जब उनकी इनकम
कम होती है, तो इसे हम कहते हैं रैचेट इफेक्ट। अब एक चीज यहाँ पे जानने वाली है, देखिए हमें केन्स ने कहा था कि कंजम्पशन जो है रिवर्सिबल है, यानी कि अगर मान लीजिए ये केन्स की शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व है, तो कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, अगर इस पॉइंट से ऐसे इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन, तो इसी लाइन पे वो वापस डिक्रीज होगी अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है। लेकिन डजनबेरी ने क्या कहा कि जो कंजम्पशन है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि इंक्रीज तो वो इस वे में हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम डिक्रीज होगी तो वो वैसे के वैसे वापस आ जाएगी कंजम्पशन, ऐसा नहीं होगा। कंजम्पशन पहले वाले लेवल पे नहीं आ पाती, पहले वाले लेवल से कुछ ज्यादा ही कंजम्पशन होगी, और वो किस वजह से होगा, वो रैचेट इफेक्ट की वजह से होगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जब कंजम्पशन A1 पॉइंट पे आई है, A पे आने की बजाय, A पे अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेक करें, तो ओरिजिन से ये जो लाइन आ रही है इसका स्लोप होगा, ठीक है। A डैश पे अगर हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेक करनी है, तो ओरिजिन से हम एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट तक। अब आप देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप ज्यादा है इस लाइन से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A डैश पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज्यादा है किससे, A पॉइंट पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि A पॉइंट पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है उससे ज्यादा है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम जब A डैश पे हम आए हैं। तो इसका मतलब होता है जब इनकम फॉल होती है तब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है वही इस पॉइंट पे भी है, ठीक है। तो जब इनकम फॉल हुई यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज्यादा हो गई इसके कंपैरिजन, इस लाइन के कंपैरिजन। अब जब कंज्यूमर की इनकम द्वारा इंक्रीज होगी तो वो इसी लाइन में आगे जाएगा, और जब तक इसकी कंजम्पशन यहाँ तक नहीं हो जाती तब तक, फिर उसके बाद वो इस लाइन पे आगे बढ़ेगा, ओके। तो यानी कि यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज्यादा है, इस लाइन पे कम है। अब यहाँ ज्यादा एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम से कम होती चलेगी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, जब तक वो इस पॉइंट पे नहीं हो जाती, और इसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम वापस कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो जब इनकम फॉल हुई एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज्यादा थी, जब इनकम इंक्रीज हुई एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम वापस कम पे आ गई, और इसके बाद कॉन्स्टेंट हो गई। तो ये सब था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में, इसे हम एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि डजनबेरी ने कहा था कि केन्स की तरह जो हमारी कंजम्पशन है वो सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा वो डिपेंड करती है कि उस लोकेलिटी में और लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे कंज्यूमर ने पास्ट में कितना कंजम्पशन किया है जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई थी, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। और जब इनकम किसी कम्युनिटी की इंक्रीज होगी, अगर उनका रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है इनकम का, तो वो कम्युनिटी सेम कंजम्पशन फंक्शन पे नहीं मूव करेगी, वो कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दिया, पहले सी से सी डैश हो गया, फिर सी डैश से सी डबल डैश हो गया कंजम्पशन फंक्शन। तो लॉन्ग रन में एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या हो गई थी हमारी, कांस्टेंट हो गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी लोकेलिटी में कोई इंडिविजुअल या हाउस होल्ड है, वो अपनी कम्युनिटी में जो और फैमिली रह रही है या उनके नेबर्स में जो फैमिली रह रही है उनके कंजम्पशन लेवल को कॉपी करने की कोशिश करता है, और इसे हम डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट या डजनबेरी इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा रैचेट इफेक्ट। अब रैचेट इफेक्ट का क्या मतलब था कि कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो अपने कंजम्पशन को प्रीवियस लेवल वाले कंजम्पशन पे नहीं ला सकता, क्यों, क्योंकि उसे आदत हो जाती है किस चीज की, अपने प्रीवियस हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन की आदत हो जाती है, और इसी वजह से उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना जब उसकी इनकम डिक्रीज हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी जब इनकम फॉल होगी, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी जब इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जब इनकम यहाँ से वापस इंक्रीज होगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी, इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी इस लाइन पे। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।